एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हंटिंग मीटर। माय नेम इज शोभिक और अभी ये ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं पदुम की एक होटल से, जिसमें हम जस्ट कुछ देर बाद ही चेकआउट करेंगे। पर उससे पहले कुछ काम निपटाना है, जैसे कि अपना बाइक का जो इंजन ऑयल है उसको बदलवाना पड़ेगा और साथ में चेन को भी लूब करना पड़ेगा, बाइक को वॉशिंग करवाना पड़ेगा। तो पहले उस काम को निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ऑलराइट, अभी आई डोंट नो साउंड कैसा आएगा, कोशिश करेंगे आज का ब्लॉग कैसा होगा लिटरली भाई पता नहीं। मेरा जो नॉर्मली माइक मैं यूज़ करता हूँ वो ख़राब हो चुका है, टूट गया बेसिकली, तो वो तो यहाँ पर मिलने से नहीं, सीधा जाके मिलेगा तो ले में ही शायद होप सो मिल जाए, ताकि मैं आपका मूड ख़राब ना करूँ, अच्छा अच्छा थोड़ा सा कंटेंट लेकर आ सकूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और भाई अगर साउंड ज़्यादा अच्छा ना आए तो सॉरी, दो दिन के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे अभी हम बोया M1 प्रोबेबली उसका माइक यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं DSLR में यूज़ करता हूँ, बट नॉइज़ कैंसिलेशन तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि जो डेड कटर है उसको हटा दिया, उसके साथ तो पहन नहीं पाएंगे। यहाँ पर शाम होता है रात के 8 बजे, मतलब 8 बजे तक यहाँ पर रोशनी होता है। तो कल रात 8 बजे हम घूमते घूमते गए थे यहाँ पर, थोड़े सा सामने नंबर वगैरह लिए जो कार वॉशिंग और बाइक रिपेयरिंग का, तो वहाँ पर ही अभी जा रहे हैं क्योंकि अपना इंजन ऑयल को बदलना है, जो बहुत नेसेसिटी है हमारे लिए। आगे आके यहाँ पर मिल जाता है आपको बाइक रिपेयरिंग का शॉप, प्रोबेबली यहाँ पर वॉशिंग नहीं होता, वॉशिंग के लिए थोड़ा सा सामने होता है, वो नॉर्मली सुबह के 9 बजे से खुला रहता है शाम के 7 बजे तक। ये पदम में सिर्फ एक ही बाइक रिपेयरिंग का शॉप है, और वो भी अभी 2-3 घंटा बाद आएगा ऐसा सूचना मिला हमको, और जैसे यहाँ पर बताया, तो ऐसा सच यहाँ पर रुकने का और कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल जो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर हमारे पास है तो फिर उसको निपटा लेते हैं, और बाइक का वॉशिंग भी अभी पेंडिंग है तो वो भी काम करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाए। टायर पंचर फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं डेफिनेटली दे दूंगा। तो भाई साहब अभी सीन बवाल हो चुका है, जांचकर पे अभी हम पदम पे रुके हैं, सडनली हमारा नज़र गया टायर पे, टायर बीच बीच में ऐसे ट्यूमर के जैसा फूल चुका है, सामने का और पीछे का भी, पीछे के टायर के ग्रिप के अंदर भी थोड़ा सा क्रैक टाइप का है, थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर है। ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा हालत हो चुका है, थोड़ा गलती मेरा भी है और बाकी किस्मत। हो रहा है 11:30 और बेसिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि बाइक वॉशिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आई डोंट थिंक हम पदम का साइड सीन कुछ भी कर पाएंगे, और ये बंदा यहाँ पर रेस्ट कर रहा है ट्रकों की छावनी के नीचे, एंजॉय द लाइफ। इन इज दैट अभी टाइम हो चुका है 12 ऑलमोस्ट, अभी अगर होटल से चेकआउट नहीं किया तो एक्स्ट्रा एक दिन का चार्जेस शायद लग जाएगा। साइड सीन तो पदम का अपना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बाइक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था इसके वजह से। वैसे अगर आपको आना है तो डेफिनेटली यार कुछ वक्त और कुछ ज़्यादा पैसे लेकर ही आओ, क्योंकि घूमने लायक यहाँ पर बहुत कुछ है और ऐसे अधा अधूरा अच्छा नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल कभी ना कभी तो दोबारा कर ही लेंगे, आशा करते हैं आपका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली कर लेंगे। वैसे अभी हम निकल रहे हैं रूम के लिए, और पूरा बाइक का चेन ल्यूब, एयर प्रेशर चेक और वॉशिंग करवाने का 200 रुपये हमको चार्ज पड़ा, जिसमें सिर्फ वॉशिंग का था 250 रुपया चार्ज पड़ा, जिसमें वॉशिंग का था 250 था एयर प्रेशर और बाकी के चेन ल्यूब को मिला के, और मे बी सिर्फ एयर प्रेशर का 50 होता है। ऑल राइट देन, अभी 12:30 बज चुका है, साइड से इतना कंप्लीट हुआ नहीं, हालांकि गाड़ी का थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गया जो बहुत नेसेसरी था हमारे लिए। एनीवेज अभी निकलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स कारगिल, और रूम का खर्चा पड़ा नॉर्मली 1500 का रूम था,
पर हमको पे करना पड़ा 1800 बिकॉज ऑफ 3%, क्योंकि 2% का 1500 था, तो थोड़ा सा डिस्काउंट मार के हमें 600 करके पर हेड की। एनीवे सभी यहाँ से निकलते हैं टुवर्ड्स कारगिल, और ये था रूम टूर। कुछ ऐसा वुडन फिनिश रूम था, बाथरूम भी ठीक ठाक था, कुछ इशू नहीं है। बस यहाँ पर दिन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, तो शाम होते होते वो आ जाएगा, और बस ऐसा ही कुछ है। तो चलो अभी लगेज वगैज पैक कर लेते हैं बाइक पे और निकलते हैं कारगिल की ओर। टाइम हो चुका है 1:15, और ये रहा अपना ब्रेकफास्ट कम लंच। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी बजरंग बली का नाम लेके चलते हैं हम दो कारगिल की ओर, कारगिल को फतेह करने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का रास्ता है कारगिल तक, और थोड़ा बहुत पैकिंग करने के मेहनत करने के दौरान हमारा थोड़ा सा इशू हो रहा है। वैसे ये होटल, बाप रे भाई साहब, ऐसा होटल है। एंड जस्ट लुक एट द माउंटेन रेंज, पूरा ऊपर के चारों तरफ स्नो कैप माउंटेन है, जिसमें थोड़ा थोड़ा स्नो दिख रहा है, पर यहाँ पर आप अगर नॉर्मली घूम रहे हो तो आपको जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा। सामने की ओर कहीं पर दिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं कुछ। अच्छा, ये सारा साइड सीन लिंकशेड वाले रास्ते पे है, और हमको पादम में आके कुछ भी नहीं मिला, मतलब साइड सीन करने के दौरान। डेफिनेटली जिस दिन सोलो आएंगे, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से अपनी भूसा को लेकर आएंगे, उस दिन डेफिनेटली पादम का हर एक साइड सीन को कम्प्लीट करेंगे। सो इसी बात पर हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। चलते, लिटिल बिट ऑफ रोड पैच चालू हो गया है, एक्चुअली लिटिल बिट नहीं, ये ऑफ रोड पैच ही है। अब यहाँ पर अगर सेटलिंग करके इजीली निकल सकते हो तो आपके लिए ये पीस ऑफ केक है, वरना अंडे का छिलका, जो समझना है समझ लो। पादम से कारगिल की तरफ जाने वाले रास्ते पे ये एक पेट्रोल पंप मिलता है, जिस पर आप चाहो तो रिफिल करवा सकते हो, पर मेरे पास थोड़ा सा पेट्रोल था टैंक में, और मैंने ऑलमोस्ट 10 लीटर कैरी किया था, जिसका मिला जुला के कुछ 7-8 लीटर बचा होगा। क्या हुआ, क्यों लो? ये कुछ वाटर क्रॉसिंग टाइप का एक बना हुआ था। एक्चुअली बेसिकली जो वाटर होता है, मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंजस्ट करके थोड़ा सा रखा गया है। अगर नहीं रखा जाता ऐसे बांध के, तो पूरा रास्ता ही पानी पानी हो जाता है। खैर कोई इशू नहीं है, अभी पादम से निकलते ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक हमको नॉर्मली ऑफ रोड पैचेस मिला, उसके बाद टारमैक रोड ही है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो ना हो, पर ठीक है, हम आराम से 30-35-50 तक स्पीड में आराम से खींच पा रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है। काफ़ी समय के टारमैक रोड के बाद अब आ चुका है थोड़ा सा डेंजर रोड। एक्चुअली डेंजर वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, जिसमें थोड़ा गाड़ी बबल होगा, ग्रेवल होगा, धूल होगा, मिट्टी होगा, गिरने का डर होगा, बाकी और कुछ नहीं है। बारिश तो नहीं है, वरना स्लश भी होता, विंटर में आओ तो आइस, ब्लैक आइस होता, आइस होता, स्नो होता। पादम से लेकर रोंगदुम तक ऐसा ही कभी अच्छा तो कभी बुरा रास्ता मिलेगा, उसके बाद रास्ता एकदम मक्खन हो जाएगा। सो देखते हैं रोंगदुम कितना दूर है। हमारे यहाँ पर बगीचे पे इतना ज़्यादा फ्लावर नहीं होता है, इनके यहाँ पर नॉर्मली रास्ते पे जितना ज़्यादा फ्लावर है, और पिछले 2 दिन से हमने लॉट ऑफ वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया, मतलब सीरियसली भाई, जस्ट व्यू देखो यहाँ से, ऐसे दीवार जो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ही बस छोड़ दिया, यही इनका बैरिकेडिंग है, और सामने ऐसा स्नो के माउंटेन, ऊपर भी एक अलग लेवल का दुनिया है। ये क्रॉस कर रहे हैं प्रोबेबली शाघर विलेज, आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया,
बाय द वे यहाँ का हर विलेज का नज़ारा, लुक और ऑलमोस्ट सीनरी एक जैसे ही होता है। वैसे यहाँ पर खेती बाड़ी भी हो रहा है, अच्छा है। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इन्होंने चट्टान और मिट्टी से एक अजब टाइप का टैनल बनाया जिससे पानी जा रहा है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत भी है ये जगह। ये पूरा हिमालयन रेंज ही बहुत खूबसूरत है। किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह का एक अलग नज़ारा है, एक अलग फील है, और ये बौद्धिज्म के मोनूमेंट के साथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पर चल रहा है वर्ल्ड फेमस जेसीपी की सफाई, खुदाई तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये शायद गिरे हुए पत्थर को साफ कर रहे हैं। एनीवेज थोड़ा सा टफ हो जाता है वाटर क्रॉसिंग अगर पानी में, मतलब पैर में पानी घुस जाता, क्योंकि राइडा का जूता काफ़ी साथ दिया मेरा, पर ऊपर से अगर पानी घुस जाएगा तब लोचा होना पक्का है। वैसे हाँ, पादम का एक अपडेट देना बाकी रह गया था, वो दे ही देता हूँ कि पादम में जियो का जो है पोस्टपेड नंबर हो तो चलेगा, अदरवाइज़ एयरटेल का पोस्टपेड भी काम नहीं कर रहा था, और प्रीपेड तो भूल ही जाओ कुछ भी। अभी रिमेला विलेज को क्रॉस करके एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, तो थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, और मेरे पीछे का हिस्से अगर आप देखेंगे तो शायद दिख जाएगा, पूरा माँ कसम वंडर बन चुका था। रोड कंडीशन ऑलमोस्ट जांस्कर का जैसे, आदर्श टेरेंट के जैसा ही है, मतलब कल जैसे आए थे हम पुणे, वहाँ पर एक तो पैच बहुत ज़्यादा स्टीप था, लकीली अभी तक हमको ऐसा कुछ नहीं मिला, आगे जाके ना मिले तो और भी बेटर है, क्योंकि आज और ज़्यादा कुछ एडवेंचरस करने का इरादा और मूड और ताकत दोनों तीनों ही नहीं है। वैसे हमने खाने में खाया था कुछ, एक सैंडविच था 140 रुपये लिया था, पर घंटा मुझको अच्छा नहीं लगा। एनीवेज क्या कह रहे, तो यहाँ पर प्रोबेबली रोड कंस्ट्रक्शन या फिर जैसी भी लैंडस्लाइड वगैरह कुछ काम तो शायद चल रहा होगा। जो भी है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर सारा ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और ये वाला जो टीम है थार और ये इसकी कार, ये सब कुछ हम कल देख चुके थे पुणे से आते हुए, यही टीम था शायद, पर अभी रोक दिया है तो रोकेंगे और क्या। तो सीन इज दैट अभी यहाँ पर हो चुका है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि गाड़ी हमने जिस कंडीशन पे धोने को भेजा था अभी कुछ किलोमीटर आते आते वैसे ही दोबारा हो गया स्नो। हाँ, 200 रुपये बर्बाद। एनीवेज स्नो कैप माउंटेन अच्छा लग रहा है, रोड बवासीर है, तो चलो अभी निकलते हैं। पूरा रोड अंडर कंस्ट्रक्टेड है, हमको तो उससे जस्ट दो कदम पहले चल के टारमैक रोड एकदम फुल टू कंडीशन में मिल चुका है। अब आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, अगर ये कारगिल तक रहा तो मतलब दिल से दुआ मांगूंगा उन सारे भाइयों के लिए जिसने ये रोड को कंस्ट्रक्शन में मदद किया है। बाय द वे दिस इज़ द अनदर स्नो कैप माउंटेन जो काफ़ी खूबसूरत है, और अभी फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और इप्सिता ही जा रहे हैं टूवर्ड्स कारगिल, द कारगिल वॉर मेमोरियल को एक्सप्लोर करने, और बाकी के जो दोस्त लोग थे वो वायल लिंगशेट को होकर निकल चुके हैं, मे भी निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट का एज सच कुछ सोर्स नहीं है, हमारे पास कुछ पोस्टपेड सिम नहीं है, जिसके पास है उसमें भी नेटवर्क नहीं है, किसी में कहीं पर है कहीं पर कहीं नहीं है, जो भी है समझ लो। और ये जो स्नो कैप माउंटेन है इसका जो ग्लेशियर का पानी है वो धीरे धीरे नीचे सरक के ऐसा वाटर क्रॉसिंग बन जाता है और कई बार नदी में मिल जाता है।
तो ऐसे कुछ सीन है इस पहाड़ के टेरेन का। टेरेन पे बाइक को चलाना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ आपको एकदम सॉफ्ट स्मूथली मेलोडियस रोड कंडीशन तो नहीं मिलेगा, पर हाँ, जो लौंडा या लौंडिया इस रास्ते पर बाइक को लेकर निकल चुका है, वो अपने पोता पोती को सुनाने के लिए कहानी का कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। इतना ज़्यादा देख लो भाई साहब, कितना ज़्यादा धूल है, मेरा नाक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। मुझे एक बार कहीं पर रुक के नाक के अंदर पानी घुसा के साफ़ करना पड़ेगा शायद धूल को। हेलमेट खोल के चला नहीं पा रहा हूँ, हेलमेट बंद कर देता हूँ तो मैक्सिमम ब्लाइंड जोन हो रहा है, और ये ब्रिज का हालत देख के लग रहा है कि अभी टूट जाएगा, पर टूटे नहीं। अचानक ही कुछ बुरा रोड, उसके बाद एक खड़ी चढ़ाई, मोमेंटम पकड़ लो, निकल लो, पकड़ लो। इफ्सी नहीं नहीं नहीं, पत्थर थोड़ा सिरक गया, गिर गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तीन स्टैंड स्टैंड दे दीजिए इधर से। थैंक यू भाई, थैंक यू। उधर क्या गिरा, वो इंजन में कुछ डैमेज नहीं हुआ ना? अच्छा, कूलेंट गिर गया होगा शायद। चलो जी, मुबारक है, पटाखा, और ये झरने के साथ करते हैं थोड़ा सा धमाका। हमारा आज का जर्नी का फर्स्ट फॉल हो गया, उम्मीद करते हैं आज सेकंड फॉल का रिकॉर्ड टूट पाए और आगे और कोई फॉल ना हो। वरना जहाँ उसका जब से घुसे हैं, हर दिन एक बार दाएं तरफ तो एक बार बाएं तरफ गिर ही रहे हैं। आज ना हो, यही प्रार्थना है। जांसकर वैली का कुछ एक हिस्सा जो दिखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए। इस चट्टान के कट से लेकर उस बहती हुई झरना तक, इस टूटे फूटे रास्ते से लेकर उस रिवर के हर एक बूंद तक, सब कुछ में एक अलग सा जज्बात छुपा है। ऊंचे उठ के यहाँ पर एक झील टाइप का बन चुका है, पूरा एकदम चिल्ड वाटर्स है, क्योंकि अभी माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। मुझे भी एक जैकेट वैकेट निकाल के पहनना पड़ेगा। थोड़ा सा जब गाड़ी गिरा था उठाने में थोड़ा सा गर्मी तो लगा था, पर उसके बाद वो भी अभी ख़त्म होने को आया है। अब फिर से ठंडा थोड़ा बहुत लग रहा है। This is a beautiful nazara in this road trip again. पूरा स्नो कैप माउंटेन, इधर से ग्लेशियर का पानी गलकर आकर नदी में समा जाता है, या फिर इससे ही बनता है, आई डोंट नो। पर जो भी मिलता है यार, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। बजने को आया है और हम ये किसी एक ग्लेशियर है इसके पास से गुजर रहे हैं। अमेजिंग व्यू है, पर ठंड भी अमेजिंग है। अभी और कोई अंदर थर्मल लाइनर या फिर नॉर्मली जैकेट नहीं पहने,
7 बजे तक तो रोशनी रहती है, तो हमारे पास 2 घंटा है, पर आई डोंट थिंक हम कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। अगर कारगिल ना पहुंच पाए तो लटकना डेफिनेटली है। देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल लेक हमको दिख गया, पानी बहुत सुंदर है, रुके फ़ोटो खींचने का इरादा भी है, पर समय की अभाव है, सो अभी निकलने के ज़रूरी है, सो अभी निकलना ज़रूरी है। मैं तो फॉल नहीं हुआ, इस खूबसूरत रास्ते का शिकार हो गया मेरा बॉटल। अब अगर ये टूट फूट गया है तो गया 500 रुपया, पर लग तो नहीं रहा है कुछ भी हुआ होगा। चल मेरे शेर, कर दे चढ़ाई। कल ऐसा अगर मेरा इंजन ऑयल मिल जाता तो थोड़ा सा और पैसे का बचत हो जाता, पर कोई ना, होने को कौन सा टाल सकता है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, बच्चा ही हूँ भाई। रास्ते पर मुझे 2-3 किलोमीटर बाद एक तो इंसान दिख रहा है और इसके अलावा कुत्ते भी नहीं दिख रहा है, पर अभी फिलहाल एक इंसान देखा तो इससे एक चीज़ पूछ लेता हूँ। जी ये जगह नहीं है। अच्छा, रोंगदुम कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से सर कोई 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर, उसके बाद रास्ता अच्छा हो जाता है। सॉरी भैया, जगह नहीं है, वरना डेफिनेटली बिठा देते। अच्छा अच्छा, और सामने जो गई उसकी भी तो बैग थी, तो आते हैं। आई डोंट नो हम अभी कहाँ पर है, बिकॉज नेटवर्क तो नहीं है, सो मैप ऑपरेट कर नहीं पाएंगे, पर जो भी है, उस खतरनाक से वाटर क्रॉसिंग के बाद रास्ता ऐसा स्मूथ हुआ है कि मानो जान पे जान आ गया। अब ऐसा रास्ता रहा तो कारगिल पता नहीं कितना डिस्टेंस है, पर हम आशा करते हैं सूरज ढलने से पहले घुस जाएंगे, नॉट श्योर बट आशा करते हैं। और ये व्यू जो है वो एकदम लाजवाब है, दिलकशी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली ग्रीन माउंटेन, फिर ऊपर ये ब्राउन माउंटेन, उसके ऊपर स्नो, इधर रिवर, इधर ब्लैक एक टारमैक रोड, यहाँ पर सीरा, यहाँ पर बजरंगबली, यहाँ पर मैं और बाकी के पूरे जन्नत। शुक्रिया 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 सबको, मेरा शुक्रिया मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पर है रोंगदू मोनेस्ट्री, पर एज यूजल हम ये भी नहीं जा रहे, हम सिर्फ जांगस्पर पे बाइक चलाने आए हैं, तो वही चला रहे हैं और निकल जाएंगे टूवर्ड्स ले, फिर देखते हैं शायद वहाँ से भी बाइक चला के निकल ही जाएंगे टूवर्ड्स अपने घर, और अपना ले लद्दाख ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा शायद, जो भी हो। जिले झूले, बाइक का नाम सीरा है, सीरा वो बाइक का एवेंजर है, इसका नाम डोमिनर है, पर मैं इसको सीरा बुलाता हूँ। तो ये भी हम रंगदुम में थे, यहाँ से ऑलमोस्ट बोल रहा था कि 4 घंटे के ऑलमोस्ट लग जाएगा टाइम क्रॉस करते के दौरान, और खाने पीने का सामान वो टावर के नीचे एक शॉप है वहाँ पर मिल जाएगा। मुश्किल से 1 बजे से लेकर 7 बजे तक हम रोंगदुम ही पहुंच पाए और यहाँ पर ऑर्डर किया मैगी, आगे और जाने नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, जिसमें 50 किलोमीटर के ऑफ रोड मिलेगा, तो रिक्स तो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर स्टे करने का कुछ जुगाड़ करेंगे। तो ये है बेसिकली रोंगदुम। अभी एक राइडर से मुलाकात हुआ जो द्रास से आ रहे थे इस तरफ, उन्होंने बताया यहाँ से आगे का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट मिल रहा है, तो आई डोंट नो अब क्या करें। अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, रास्ता काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर के करीब है, उससे ज़्यादा तो कम नहीं, और बहुत बेकार है। तो सीन कुछ ऐसा है, मत पूछो कैसा है, क्योंकि हमने जो रास्ते पे चलने का शुरू किया था और जिस रास्ते को हम जस्ट पीस ऑफ केक समझा था, वो अपने औकात से बाहर निकल, तो सिर्फ पैसे के थाली लेकर निकल चुके हैं।
सिंकुला नहीं, सिंकुला नहीं, ये कौन सी जगह, रोंदुन तो फिलहाल मिल चुके, जस्ट हम रुके थे एक्चुअली। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि इशिता का जो बाइक है वो वाटर क्रॉसिंग में अटक चुका था, तो उस वजह से मेरे जूते में बहुत मतलब ठंड हो चुका था पानी की वजह से, घुस जाने की वजह से ऑब्वियसली। तो उस दौरान हम रुके थे यहाँ पर कुछ चाय वाय पीने के लिए, तो उस टाइम मुलाकात हुआ मेरा इनसे, और फिर मुझको मालूम पड़ा कि यहाँ से लेह का डिस्टेंस है, सॉरी कारगिल का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर, जिसमें 20 किलोमीटर का अच्छा रास्ता और बाकी के तो जयराम जी की। तो उस दौरान हमारे औकात से तो बाहर है नाइट राइड, अब स्पेशली जब डुओ है मैं और इशिता, तो उस दौरान हम सोचे यार ने मुझे दिया ये पेठा, पेठा जो भी है, आगरे का पेठा, ये सिर्फ पेठा नहीं है आगरे का पेठा है, तो चलो खा के देखते हैं। अंदर की तरफ थोड़ा सा रसीला टाइप का है। तो जो चीज अभी हमने खाया वो दिया है इन्होंने, हमारे प्यारे राकेश भैया ने, जो सूरत से स्टार्ट किया है अपने जर्नी को। जाना कहाँ है सोचेंगे, करना क्या है सोचेंगे, फिलहाल जाना कहाँ है वो भी सोचेंगे, पेट्रोल के ऊपर। फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर हो रहा है अपना डेटा ट्रांसफर, और यहाँ पर पड़ा है मैगी जो लास्ट टाइम हमने बचाया और था, इधर हम खा रहे हैं मुरब्बा, और इधर पेठा, सॉरी पेठा, आगरे का पेठा, आगरे का पेठा जो खाने में रसीला एकदम होट रसीला। एनीवेज अभी मैगी बनाने का सामान वहाँ पर आ चुका है, ये रहा स्टोव, ये कौन सा स्टोव है, बटन गैस जो भी है, जो हम लोग कैरी कर रहे थे ना, ये वो थोड़ा अलग साइड का, नहीं एक ही टाइप का है वो जो गैस से हम, मेरे पास गैस कैन भी है, मेरे पास गैस कैन है, स्टोव नहीं। अच्छा हाँ, वैसे भी अभी अपना सीन कुछ ऐसा हो गया है, ऑक्सीजन कैन दूसरे के गाड़ी पे, मैगी हमारी गाड़ी पे, स्टोव दूसरे की गाड़ी पे, मेडिसिन मेडिसिन इसके पास है ना, पूरा ड्रेसिंग का सामान मेरे पास, ड्रेसिंग है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि घोड़ा उस जेब में, गोली इस जेब में, किसी दिन लपड़ा हो गया तो गोली भरते रह जाएंगे, कोई गेम बजा डालेगा। फिलहाल मैगी बना लेते हैं, क्योंकि गोली हमारे पास था, घोड़ा भैया लेकर आए तो चला देंगे। तो चलो पहले मैगी बना लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं और उसके बाद। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा आज के रात का स्पेशल फूड मैगी, और बनाने का कुछ जुगाड़ था नहीं, तो भैया से थोड़ा सा ये सब चीज़ें ले लिया, और बाकी मैगी अपने पास था तो वही बन रहा है। एनीवेज अभी तो रात के 10 बज चुका है, तो ज़्यादा ब्लॉग को खींचेंगे नहीं, सिर्फ मैगी को खा के थोड़ा सा शरीर को रेस्ट देने के लिए अभी सो जाएंगे। तो इसी बात पे अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ठीक ठाक लगा हो तो आपको पता है आपको करना क्या है, वही कर देना, और फिलहाल करते हैं इस वीडियो को क्लोज। सो लिव योर लाइफ एज अ किंग, 100 मीटर चेज योर ड्रीम।